और कर रहे अपनी प्यारी वरी मिसलेनियस, ठीक है आओ। तो सबसे पहले एग्जांपल 22 न्यू बुक्स का है, एग्जांपल 33 ओल्ड बुक्स का है। प्लीज मेक श्योर कि आपके पास ओल्ड बुक का इसका प्रिंट आउट हो। कलर्ड बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर बॉक्सेस एज शोन इन द फॉलोइंग। कलर बॉक्सेस है, एक कलर बॉल्स है और चार बॉक्स में डाल दिए। अ बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक बॉक्स हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चा, randomly select कर रहे हैं। Then a ball is randomly drawn from the selected box. फिर हम क्या कर रहे हैं, एक ball निकाल रहे हैं। यहाँ तक clear? Sir, अगर आप देखो, आप दो बार काम नहीं कर रहे, एक बार ball, एक बार उल्टा, एक बार box, एक बार ball, box और ball। इसका मतलब दो step किसमें होते हैं, या तो weight, base या total, यानी दोनों में से कोई एक का question है। यहाँ तक clear? अब देखो फर्स्ट बॉक्स में ब्लैक के चांस क्या देंगे, खुद देख के बताओ। 3/18। अच्छा आगे क्या कहते हैं, मेन पॉइंट पे था, कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक। पहले पता है कि सेकंड में जो बॉल आई वो क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक ले लू, ब्लैक और सीधा नॉट ब्लैक कर लू, मैंने मेरे को सारे बनाने पड़ेंगे, ब्लैक ब्लू व्हाइट रेड। बोलो ऐसे करूं या ब्लैक और नॉट ब्लैक कर दूं, ब्लैक एंड नॉट ब्लैक। तो फर्स्ट में ब्लैक के चांस 3/18, राइट। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, मेरे को पता निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बॉक्स 3, यानी निकालना क्या है, क्या E3 by A, आपने शायद E3 बोला है ओनली, PE3 by A, बोलो बेटा पॉइंट क्लियर, क्या आंसर हो गया, सॉरी ये निकालना है, सॉल्व करना आपको आता है। नेक्स्ट एग्जांपल 36, बट एग्जांपल 36 से पहले मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें राइट नाउ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते कर सकते हो। आओ बेटा क्या कहता है क्वेश्चन 3, हुआ पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन 4 नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। मतलब क्या सपोज करना है, 5% मेन के और 0.25% वुमेन के क्या है, ग्रे हेयर है, ठीक है, ओके। अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने क्या करा, एक ग्रे हेयर पर्सन पिक कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल, क्या चांस है पर्सन क्या हो, मेल हो। आगे एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। एज्यूम करना इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल है। तो सबसे पहले को ये बताओ, ये है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन, बेस का है, मतलब ह्यूमन डायग्राम बनेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको, कांग्रेचुलेशन, डायग्राम बन रहा है। डायग्राम कैसे बनाए सर, एक बार दिखाओ, मेल लिखा है पहले, ग्रे है लिखा, मेल फीमेल, बिल्कुल ठीक है, मेल और फीमेल, राइट, ओके, मेल एंड फीमेल, यहां तक क्लियर। अब मेल में कितने ग्रे हेयर है भाई, 5%, और फीमेल में ग्रे हेयर 0.25, सॉल्व कर दे सर, मेल कितने है सर, फीमेल, अब सॉल्व करना है। अब तो इसे क्या, ग्रे हेयर पर्सन सिलेक्टेड, यानी पता लग गया क्या ग्रे हेयर पर्सन है, राइट, यानी ए क्या हो गया इस बार, आपको समझ आया, ग्रे हेयर निकालना क्या है, दिस बीइंग मेल, यानी पी ई 1/A हो गया, सॉल्व कर लोगे, ओके। अब एक क्वेश्चन कराते हैं, एग्जांपल 36 वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़िए कहता है, A एंड B थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम। इस लाइन का मतलब क्या है, A और B डाइस को क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली थ्रो करेंगे, यानी मान लो पहले A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर A कर रहा है, फिर B कर रहा है, कब तक, जब तक उनमें से किसी का 6
ना आ जाए, और जैसे सिक्स आएगा गेम फिनिश, यानी गेम जीत गया वो, ठीक है। पॉइंट क्लियर, एग्जांपल दूं, क्लियर। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। प्रॉपर्टीज निकालनी किसकी जीतने की। इसको कराने से पहले नोट्स में कुछ फॉर्मूले लिख लो जो आपको अभी काम में आएंगे। किसी को जीपी याद है? जीपी 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 सीरीज, सम ऑफ इनफिनिट जीपी नहीं याद? चलो फिर अनित। हाँ जी बिल्कुल सही कहो, यहाँ लगेगी ही लगेगी। लास्ट ईयर सीक्वेंस सीरीज एक नाम से चैप्टर था, एपी जीपी याद आ गया अब, ठीक है। चलो अभी लिखवा देते हैं, फिर आइए ये था ना। पहले इसको समझते गेम क्या है। ए फेंकेगा बी फेंकेगा, ए फेंकेगा बी फेंकेगा, कब तक? जब तक किसी का सिक्स ना आ जाए। जैसे जिसका सिक्स आया वो गेम फिनिश। याद है? क्लियर, ओके। क्या करें सर? बड़े यानी एक बार तो गेम जीतने के चांस कब कितने होंगे? एक है, वन बाय सिक्स। अगर एक बार फेंकेगा तो कितने चांस है? तो ए विंस के कितने हो जाएंगे? पी ए का मतलब हुआ ए विंस। वैसे ऐसे लिख लो, ए का मतलब हो गया ए विंस, ठीक है, और बी का मतलब हो गया बी विंस, राइट। तो मेरे को बताओ पी ए के चांस कितने होंगे? वन बाय सिक्स। पी बी के चांस? वन बाय सिक्स। अभी ना समझ लो, विनिंग के चांस वन बाय सिक्स ही है वन शॉट में। ए नॉट कितना हो जाएगा सर? फाइव बाय सिक्स। बी नॉट? 5/6। बोलो यहाँ तक क्लियर पहले, यस और नो? ओके नाउ, अब क्या है, मैं पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूँ। ए विंस, ए जीतेगा कब? इसका मतलब ए फेंकेगा बी फेंकेगा, ए फेंकेगा बी फेंकेगा, और कब तक? जब तक गेम में सिक्स ना आ जाए। लेट सपोज ए ने फेंका और ए का पहली बार में, केस क्या बनेंगे? ए ने फेंका और ए का पहली बार में ही सिक्स आ गया, तो क्या होगा केस? ए, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा? ए ने फेंका पर ए का पहली बार में नहीं आया, कितनी बार में आ रहा है? दूसरी बार। इसका मतलब ए नॉट, ए यानी पहली बार में नहीं जीता, फिर कौन फेंकेगा? बी नॉट, बी की बार है ना। दोबारा इसको समझो, वन टू थ्री। पहले ए फेंक रहा है, ए पहली बार में नहीं जीता, इसका मतलब ए नॉट हो गया। अगले टर्म किसकी आएगी? बी की, क्योंकि ऑल्टरनेटिव है ना कि पहले आप फेंको फिर मैं फेंकूंगा, फिर बी नॉट। क्या बेटा, अगर बी का, अगर बी जीत गया वन बाय सिक्स तो गेम खत्म। अगर बी का सिक्स आ गया तो गेम खत्म, जिसका सिक्स आ गया पहले वो जीतेगा। और अभी हम बात कर रहे जीतने की, ए की, कि ए जीत रहा है। ए कब जीतेगा? जब ए का सिक्स आएगा, बी का सिक्स ना आए। इसका मतलब मान लो ए का सिक्स पहली बार में आ गया, क्लियर। एक काम करते ए विंस के लिए ए सिक्स लिख लेते हैं, ए सिक्स, अब ठीक है। और बी विंस के लिए बी सिक्स, ठीक है। तो ए का पहली बार में सिक्स आ जाए। दूसरा केस क्या होगा? ए का पहली बार में ना आए, इसका मतलब कौन सी टर्न पे आएगा? ए की सेकंड और वैसे थर्ड, यानी ए का पहली बार में नहीं आया, बी का भी नहीं आएगा, फिर ए का आएगा, राइट। फिर ये केस बन सकता है, खुद बताओ, खुद बताओ क्या बनेगा? ए का पहली बार में नहीं आएगा, बी का भी आएगा, ए का भी नहीं आएगा, बी का भी आएगा, फिर ए का आएगा, क्लियर हुई बात? ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट, ए नॉट ए, फिर क्या हो जाएगा सर? एक दो तीन चार पांच छह सात, ए का पहली बार में नहीं आया, फिर बी का नहीं आया, ए का दूसरी बार में भी नहीं आया, बी का भी आएगा, तीसरी बार में भी आया, बी का भी आया, चौथी बार में आ गया। और एक कहानी चल जाएगी, कब तक, कितने केस बनेंगे? इनफाइनाइट। पहले बोला यहाँ तक क्लियर, ओके नाउ ए, अगर ए का पहली बार में सिक्स आ गया तो वन बाय सिक्स, ए का पहली बार में नहीं आ रहा, फाइव बाय सिक्स इंटू फाइव बाय सिक्स इंटू वन बाय सिक्स, इसका फाइव बाय सिक्स इंटू फाइव बाय सिक्स इंटू फाइव बाय सिक्स इंटू फाइव बाय सिक्स इंटू वन बाय सिक्स, राइट, डॉट डॉट, राइट। पहले मैं आपको बता दूं, ये जीपी है, जीपी सीरीज याद है किसी को क्या होती है? नहीं याद, पहले याद कर लो, तो भूल चुका जीपी। जीपी सीरीज क्या थी, एग्जांपल समझा रहा हूँ।
2, 6, 18, 54, 162, 486 कुछ मिल रहा है सर? ध्यान से लिखना, क्या खासियत है हर बार? मल्टीप्लाई बाय 3 है, पॉइंट क्लियर? जीबी में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 3। ए को बोलते थे फर्स्ट टर्म, दोबारा बताओ, याद आ गया? आर को बोलते थे कॉमन रेशियो, और कैसे निकालते थे हम? एक तो राशन दे दो मैं उठा के, ए टू बाय ए वन, याद आ गया? अब इसी में फॉर्मूला होता है सम टू इन्फिनिट जीपी, एस इन्फिनिटी, ए अपॉन वन माइनस आर, क्लियर? तो पहले नोटिस करो, क्या ये जीपी बना रहा है? इट फॉर्म्स अ जीपी, बोले यहां तक क्लियर? ओके, नाउ अभी क्या है, एक्चुअली बोलना चाहिए इट फॉर्म्स एन इनफाइनाइट जीपी, तो सबसे पहले ए कितना हुआ 1/6, आर कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 अपॉन में 1/6, बोले यार क्लियर? यस और नो? आर कैसे, ए टू बाय ए वन, ये लो यहाँ लिख देता फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू ए टू बाय ए वन, इज दैट ओके? आर क्या देगा 5/6 का, अब क्या निकालना है, एस इनफाइनाइट ए अपॉन वन माइनस आर, ए कितना है, आर कितना है, क्लियर है? यस नो? सॉल्व कर दो, 1/6 अपॉन में 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा 11 बाय 36, रेसिप्रोकल कर दो 6/11, ये किसकी चांस है अभी सिर्फ, ये तो आया ए के, ए विंस, क्या ना बी के सेकंड टर्न है, अब बी के चांस क्या हो जाएंगे खुद बताओ, 5, पहला ऑप्शन आता है ऐसा लंबा करो, दूसरा 1 में से माइनस कर दो, ए के चांस, पॉइंट क्लियर? टी बी बी विंस क्या हो जाएगा सर, 1 - 6/11, दैट इज 5/11, बोलो बेटा कैसा लगा क्वेश्चन, मजेदार था? वैसे न्यू बुक्स में नहीं है क्वेश्चन, बट मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से सेट के अंदर ये आया है क्वेश्चन, मैंने या तो सैम्पल पेपर में देखा है या क्वेश्चन पेपर में देखा है, बट कहीं आया है, ये कंफर्म है। आओ बेटा, बैग वन कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग टू कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, जैसे आपने पढ़ा होगा आपने सबसे पहला काम ऐसे बनाया होगा, 1, 2 ऐसे ही करा सबने, बेटा ये तो पढ़ लो कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, जल्दबाजी मत करना। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या कर रहा है, मैंने बोला ना यहाँ पे दो बार काम करते हैं, तो काम पहला काम क्या कर रहा है, एक बॉल ट्रांसफर करिए किससे, बैग वन से बैग टू में, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू, फिर क्या कर रहे हैं, बैग टू से बॉल निकाल रहे हैं, तो यानी पहले हमने क्या करा, स्टेप वन बॉल ट्रांसफर, तो देखो क्या बन रहा था इसका डायग्राम, इन ऊपर बैग वन ही बचा बेसिकली, अब भाई बॉल ट्रांसफर है, हमने बॉल ट्रांसफर करी है कहां से कहां तक में करी है बेटा, 1 से 2 में, राइट, 1 से 2 में क्या होगा खुद बताओ सोच के, या तो रेड गई होगी या ब्लैक गई होगी, रेड और ब्लैक, करंट जाने के चांस क्या हो गए, 3/7, और ब्लैक जाने के चांस 4/7, याद है क्लियर, फिर क्या कर रहे हैं, अब आगे पढ़ो जरा, स्टेप टू, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, अब निकाल रहे हैं बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक टू,
यानी मैंने पहला काम क्या करा, पहले एक रेड बॉल ट्रांसफर कर दी, इसके बाद एक बॉल निकाल रहा हूँ किस में से, बैक टू में से। अब लेट्स सपोज, ध्यान सुनना, रेड ब्लैक रेड ब्लैक, अगर रेड बॉल ट्रांसफर हुई है यानी अगर पहले रेड बॉल हुई है तो उसके बाद रेड बॉल आने के चांस क्या होंगे, बोलो। नहीं सुना ध्यान से, बैक टू के अंदर मेरी क्या थी, चार रेड थी पांच ब्लैक थी, राइट, फाइव बाय टेन, पॉइंट क्लियर। नहीं आई समझ, किसको नहीं आई, कंफ्यूजन है, पहले आंसर क्लियर, पहला स्टेप क्लियर है कि बॉल भेजी है तो बॉल ये तो रेड गई होगी, बैक गई, ये ब्लैक गई होगी क्योंकि बैक वन से भेज रहे हैं। अब बैक टू से बॉल निकालनी है। अब एक बात बताओ, अगर आपने रेड बॉल भेजी थी, क्या रेड बॉल, तो बैक टू से रेड बॉल निकालने के चांस क्या होंगे, सोचो बताओ। रेड बॉल भेजी थी, यहाँ पे रेड बढ़ नहीं गई, अब बैक टू में नहीं, समझ कैसे, दोबारा समझाऊं, क्योंकि बैक वन से आ रही है ना आपके पास बॉल, तो अब आपके पास कितनी रेड होगी, फाइव रेड फाइव ब्लैक, मेरे को बताओ रेड निकालने के चांस क्या हो जाएगा, फाइव बाय टेन या वन बाय टू, फाइव बाय टेन, राइट। अगर आपने ब्लैक बॉल भेजी है, अगर ब्लैक बॉल भेजी है तो यहां से हट जाएगा प्लस वन, यहां पर हो जाएगा क्या, सिक्स किसके, ब्लैक के, ब्लैक के सिक्स बटन और रेड के फोर बटन, यहां तक क्लियर, कैसे पॉइंट क्लियर है। आगे, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी इन रेड कलर, अब जो बॉल निकाली कौन सी थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, किसकी निकालनी, ऊपर या नीचे, ऊपर, यानी क्या निकालूंगा, पी ई टू बाय ए, कि ट्रांसफर्ड बॉल क्या थी, ब्लैक, और ए क्या है मेरा, बॉल इज रेड, क्लियर। ये था पॉइंट, कर लो इसे नोट।